दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंत की मेहनत पर विंडीज धोनी ने फेरा पानी, अपने बल्ले से उड़ाया ऐसा गर्दा, पूरे क्रिकेट जगत में काटा बवाल, तो ब्रेटली भी धोनी पर फिदा हो गए। अमेरिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी अब हाला महेंद्र सिंह धोनी के मुरीद हो गए। और शपंत को अगला धोनी बताने से लेकर धोनी की धाकड़ बल्लेबाजी पर कुछ ऐसा कह गया जिसने करोड़ों धोनी फैंस का दिल जीत लिया। आखिर किसने धोनी को सबसे महान बताया और किसने ऋषभ पंत को भारत का भविष्य कह डाला? किसने धोनी के वर्ल्ड कप 2024 में खेलने की इच्छा जाहिर की? और इन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और पंत में कौन है अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाने वाला? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऋषभ पंत की कप्तानी में इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए दिन के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपना खाता जरूर खोला। ऋषभ पंत ने भी 32 गेंद पर 51 रन की बेमिसाल पारी खेली, लेकिन मैच का आकर्षण पूरी तरह से पूर्व कप्तान एमएस धोनी के इर्द गिर्द सिमट कर गया। पिछले कुछ मैचों से धोनी की बैटिंग देखने को बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों फैंस को माई के बल्ले से ऐसा धमाका देखने को मिला कि उनकी पूरी प्यासी बुझ गई। धोनी ने 16 गेंदों पर 4 चौके 3 छक्कों से बिना आउट हुए 37 रन बनाए, और इस दौरान पूरे क्रिकेट जगत में देखा कि धोनी की लोकप्रियता का आलम क्या है। धोनी बैटिंग के दौरान क्रीज पर करीब 22 मिनट तक रहे, और इस दौरान मैदान पर पूरे मैच के दौरान सबसे ज्यादा दर्शकों की आवाजें गूंजी। स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार जैसे ही धोनी मैदान पर उतरे, पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी के गुंजायमान उठा, और जैसे ही उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद पर पुल करके चौका जड़ा, शोर मीटर ने एक नया रिकॉर्ड जोड़ दिया। इस दौरान दर्शकों की आवाज 128 डेसिबल तक पहुंच गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर एमएस धोनी का अंदाज करोड़ों फैंस को दीवाना कर गया, और निश्चित तौर पर जब पहले चौके के समय डेसिबल मीटर 128 पर था, तो बाद में धोनी के छक्कों के साथ इसका आंकड़ा और बढ़ गया। और जिस अंदाज में धोनी ने इस टूर्नामेंट में अपने दर्शन दिए हैं, निश्चित तौर पर आने वाले मैचों में डेसिबल रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। कुल मिलाकर डेसिबल रिकॉर्ड बता गया कि न्यूज की टीआरपी भले ही कुछ हो, लेकिन जब बात खिलाड़ियों की टीआरपी की आती है तो 42 साल की उम्र भी इनका कोई तोड़ नहीं है। अभी तो पूरी दुनिया अभी भी धोनी की महानता की तारीफ कर रही है, यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयान भी निकल कर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो धोनी के जिगरी दोस्त शेन वॉटसन ने कह डाला कि धोनी तो धोनी है, शेर बूढ़ा भले हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। और कौन कहेगा कि धोनी 42 साल के हैं, ऐसे कैसे धोनी ने छक्के मारे हैं जो आकर यंगस्टर भी नहीं कर पाते। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, यदि आज भी धोनी की इंडियन टीम के जर्सी में उतार दिया गया तो वह भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। सैल्यूट है उन्हें, वह सच में ग्रेटेस्ट फिनिशर और कप्तान है। वहीं कप्तान के महानतम गेंदबाज ब्रैटली ने कह दिया कि एमएस धोनी के विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। उनका दिमाग अभी भी पहले की तरह अच्छा और तेज है। उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। जब ये नंबर 8 के पायदान पर बल्लेबाजी करके इतनी कमाल की परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो उन्हें इतना नीचे क्यों भेजा जाता है? मैं केवल यही रिक्वेस्ट चेन्नई मैनेजमेंट से करना चाहूंगा कि उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जाए। यहां तक कि खुद इस मुकाबले में धोनी की लाजवाब बल्लेबाजी के बाद लाइव गवाह बनने वाले डेविड वार्नर ने उन्हें सलाम करने लगे। जी हां, उन्होंने कहा कि यदि दिल से कहूं तो धोनी जैसा ग्रेटेस्ट फिनिशर और कप्तान मैंने नहीं देखा। भले हम जीत गए लेकिन कहीं ना कहीं धोनी ने हमारी जीत को किरकिरा कर दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी को हमारी जीत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि धोनी ने बल्लेबाजी में रन बनाए हैं और ये फैंस का उनके लिए प्यार है। धोनी भगवान से कम नहीं है। इंडिया में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनसे ग्रेट कोई खिलाड़ी नहीं। ऐसे में उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि यह मैच कमाल का था। ऋषभ पंत ने कमाल की बैटिंग की है, वो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट में धोनी ने मुझे गूज़बम्प्स दे दिए। हालांकि मुझे पता था कि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाएंगे क्योंकि वो मैच उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन एक पल के लिए तो उन्होंने मैच में रोमांच जरूर लाया। और ये देखकर काफी अच्छा लगा कि यदि हम फाइनल में पहुंचे तो जरूर चेन्नई से मुकाबला करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें हराकर ट्रॉफी जीतने का मजा तो कुछ और ही होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सभी तो धोनी को ही सलाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाते जाते ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी कह दिया, ये दिन तो विकेट कीपर्स का था। पहले ऋषभ पंत ने अपनी टीम के लिए कमाल की परफॉर्मेंस दी, फिर महेंद्र सिंह धोनी ने आकर पूरी महफिल लूट ली। निश्चित तौर पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज था। मुझे ऋषभ पंत को देखकर कहीं ना कहीं धोनी की याद आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि धोनी की कमी इंडियन टीम को पंत जरूर पूरी कर सकते हैं, और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पंत भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होने वाले हैं। उन्हें जीत की खूब खूब बधाई। तो दोस्तों, ये सभी ऑस्ट्रेलिया दिग्गज तो धोनी और पंत के मुरीद हो गए, लेकिन अब आपको क्या लगता है धोनी और पंत में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।